दिल्ली में आज क्रिश्चियन ट्रेडिशन के साथ एक्ट्रेस असिन माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा के साथ शादी के बंधन में बंध गई। इस शादी में फैमिली मेंबर्स के अलावा कुछ फ्रेंड्स ही शामिल हुए। हालांकि रात में दोबारा हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी। इनका ग्रैंड रिसेप्शन 23 जनवरी को होगा। अपने फिटनेस रूमर्स को लेकर परेशान एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने साफ किया है कि उन्होंने आदि की फिल्म सुल्तान के लिए खुद को फिट एंड फाइन नहीं किया, ना ही अपने रीसेंट फोटोशूट के थ्रू वो सलमान या आदि को इम्प्रेस करना चाहती थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बॉलीवुड के कई सेलेब्स कीकू शारदा को सपोर्ट करने सामने आए और अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हम आपसे सवाल करने के लिए बैठे हैं कि क्या पिछले 3 दिनों में ये जो घटना घटित हुई किसी भी कलाकार के साथ, क्या ये जायज है? कंगना रनौत का मानना है कि एक समय के बाद फिल्में करना बोरिंग हो जाता है, इसलिए वो ताउम्र एक्टिंग नहीं करेंगी। इसके बजाय वो ट्रैवलिंग, रीडिंग को वक्त देंगी और नया डांस फॉर्म या फिर पियानो जैसा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहेंगी। मुंबई में कैलाश खेर और सुरेश वाडेकर ने फिल्म रेड सिग्नल के गानों की रिकॉर्डिंग की। इस रिकॉर्डिंग के साथ ही फिल्म का मुहूर्त भी हुआ। मेरी शुरुआत अल्लाह के बंदे गाने से हुई थी और आज का जो गाना है उसमें भी बंदे शब्द है, तो बंदे जो होता है वो परमात्मा का अक्ष होता है, उनका अंश होता है। रैपर हनी सिंह और शाहरुख खान के बीच अनबन की बात कही जाती रही है, बट हाल ही में दोनों कलाकार एक इवेंट में साथ नजर आए। लगभग 15 मिनट दोनों ने चैटिंग की और बाद में हनी सिंह ने शाहरुख के साथ अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर भी की, जहाँ दोनों काफी कम्फर्टेबल दिखे। बॉलीवुड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर .com।